95 लाखाचा बंगला बांधलेला आहे. चपलाचं दुकान आहे, 95 लाखाचा बंगला तिथं गावामध्ये. सुकरराव एक 450 वर्ष पूर्वीच मंदिर. सो बहुत ऊपर आ चुके हम भाई. नाही म्हणजे ते कसं एकटं एकटं राहिला ना वरते, मला नेगेटिव्ह फोर्स वाटत होतो. देखो ऐसा नहीं कि तुम मत देखो, देखो मगर प्यार से. हस मत पगली, प्यार हो जाएगा. आप सब ठीक हो, हेल्दी वेल्दी, मतलब एक नंबर. फिलहाल हम है लाखल गांव में. ये आता है नासिक से आगे 16 किलोमीटर, राइट. और यहाँ से मैं एक्चुअली ढूंढ रहा हूँ डेस्टिनेशन रहने के लिए. फिलहाल कहाँ पे रहने मिलेगा कुछ नहीं. तो एक अच्छा स्पॉट है जो एक गाँव में है भैया के, तो वहाँ पे हम रहने जा रहे हैं अभी फिलहाल. तो अभी देखते हो स्पॉट कैसा है. तो बने रहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये ब्लॉग में सिर्फ मिलेगा आपको देखने की अपने को कहाँ डेस्टिनेशन मिलती है रहने के लिए. और मैं यही ढूंढते रहता हूँ जहाँ पे मुझे टेंट डाल के रहने मिले. तो फिर चलिए चलते हैं. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broke. भाइयों वहाँ पे हो रही है यात्रा. गांव में बहुत स्पेशल होती है यात्रा, मतलब मंदिर होता है वहाँ पे, दर्शन के लिए लोग जाते हैं. तो वहाँ से पैदल पैदल लोग उधर ऊपर जा रहे हैं यात्रा के लिए. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like love. बापरे बंगल्यात जर गेलं ना पूर्ण इटालियन मार्बल कायम काय काय विचार. आम्ही आहे म्हणून गेलो आम्ही एवढ्या गाड्या घेऊन. आम्हाला 10 लाखाचं घर नाही बांधता आलं, त्यांना चपलावरती 95 लाखाचं घर बांधलं. कसं काय पण तेच समजा ना कसं काय. अभी ये खेत देख रहे हैं हम, और उसमें बंगले देख रहे हैं ना, क्या बिल्डिंग देख रहे हैं. तो मैं बोला किसके है, तो बोले खेत जो जिनकी खेती है उनके इतने बड़े बड़े घर है. मतलब इनका टर्न ओवर अगर बताऊंगा ना आपको, कितनी कोटी, 2.5 कोटी 4 कोटी 5 कोटी, 2 सालाना, एक साल में 2-4 कोटी, 2-4 करोड़ रुपए का इनका इनकी कमाई है. मतलब भाई इतने जबरदस्त शेतकरी है नासिक जिल्ह्यामध्ये. और भैया मुझे बता रहे थे एक चप्पल वाला टाइप है, उसका करोड़ का घर है, करोड़ का. बाप रे, मतलब सोच में पड़ गया भाई. अभी ये घूमने की वजह से पता चलता है, यही मैं घर पे बैठा रहता तो मुझे पता ही नहीं चला रहता. अभी मैं जैसा ढूंढ रहा हूँ मेरा एक डेस्टिनेशन जहाँ पे मैं रह पाऊँ रात में, और इधर अंदर आया तो मुझे पता चला ये सब चीजें. और ये जो आगे आपको दिख रहे हैं घर, ये आदिवासी लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं. Soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. Sugar raw. I feel so भाई इस तरफ में है कई डेस्टिनेशन अपनी. डोंगरवाड़ी, सो डोंगरवाड़ी ये मिले देवीगढ़. जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. हाँ, देवीगढ़ डोंगरवाड़ी. तर या गाँव मध्ये आओ अपन, आता मतलब ये गाँव में है. और यहाँ पे ऊपर में एक स्पॉट है बोल रहे, वहाँ पे जाना है अपने को. सो फुल गाँव का माहौल है यार, देखो गाय एंड ऑल दैट सब कितना अच्छा है. आजी बोल रही खाने पीने के लिए है कि नहीं, या डब्बा लेके चले जाओ ऊपर. मतलब मुझे पहचानते नहीं कुछ नहीं, फिर भी डब्बा लेके जाओ खाना खाओ. बट अपने बैग में हर एक चीज है, सर्व है माझ्या बैग मध्ये, काही प्रॉब्लेम नहीं. पण धन्यवाद तुम्ही म्हटला, डब्बा लेके जाओ. सो मुझे माझ्या आजीची आठवण आली मला. सो नमस्कार. सो अभी अपन जा रहे हैं ऊपर पहाड़ पे उस मंदिर की तरफ जो भैया हमें लेके जा रहे हैं अभी. अरे भैया ने बहुत हेल्प किया अपनी, थैंक यू भैया. और मैं कैसे ये चीजों के लिए भूखा रहता भैया बहुत, मला माहित है काही ना काही पहाला कुठे नवीन जागे राहायला खूप आवडते. सो गॉड अपने लिए प्लान पहले से बना के रखते भाई लोग, अपने को सिर्फ इच्छा होना, बाकी गॉड अपने लिए रहने का खाने का हर एक इंतजाम करके रखता है. पहली बार मैं नासिक के कहीं गाँव में रह रहा हूँ, मतलब नाइट स्पेंड करने वाला हूँ. सो काफी एक्साइटेड हूँ. तो ऐसे ऊंचाई पे है और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी है. नाव कहते बेटा प्रणीत. प्रणीत भी आ गया. ओके प्रणीत रिलेटिव है. दादा कोण लागते तुझं? दादा कोण लागते? भाऊ. असं काही जादू वादू करतात का? असलं काही प्रकार झाला होता त्यामुळे मग सोडवला. सो काफी ऊपर आ गए हम, अंधेरे की वजह से मैं दिख रहा नहीं होगा, बट इतना लगेज के साथ इतने ऊपर आने का जो ट्रैकिंग का मजा है भयंकर. सही तिकडली एक नदी, ही इकडनं एक नदी आलेली. एक नदी त्या साईडला, इकडनं एक नदी. हे बाईचा दिसली की नदी. हो हो ही एक नदी.
आणि हे इथं मध्ये हा जे पाणी दिसतं जास्त तिथे संगम आहे, दोन्ही नदी गेलेली, एकच दोन्ही मिळून तिथून एकच गेलेली. ओके, ते गाव आहे हिमालयाची वस्ती, म्हणजे ज्यांचे ज्यांचे शेत इकडे होतं मग त्यांनी कसं जाण्या येण्याच्या याच्या परक्षा मग इकडेच मस्ती बनवून टाकली असते, म्हणजे येण्या जाण्याचं टेन्शन टेन्शन नाही राहिलं. हे 450 वर्षापूर्वीचं मंदिर. 450? सो दोस्तों ये जो मंदिर है 450 इयर्स पहले का बना हुआ है. बहुत ऊपर आ चुके हम भाई, और थोड़ा ऊपर. तो अपन परमिशन घेतली आहे, अपन ने परमिशन ले ली है, और थैंक यू सो मच भैया. तो बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, और जो यहाँ के रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उन्होंने बोला आप रह सकते हो. फाइनली अपना डिनर बन गया भाई लोग, बहुत भूख लगी थी वैसे भाई लोग, मेरी फट गई. अच्छे से कैमरा गन ऐसा कुछ था तो नहीं, बट बता दो मैं आपको पहुंच के. अभी फिलहाल दीपक भाई आ गए मुझे लेने के लिए, काफी अंधेरा है और पहाड़ से उतर रहे. पॉसिबल हुआ तो मॉर्निंग में आऊंगा मैं और आपको दिखाऊंगा ऊपर से व्यू कैसा है. तो आतून आलो ना मग मी त्या हॉटेल वाल्याला ना अर्जंट मध्ये सांगितलं, त्याला म्हणलं एक काम करू वरती गेलो हे होते तोपर्यंत काही नाही वाटलं, हे गेल्यावर थोड्या वेळा घाबरलो पाहिजे. नाही म्हणजे ते कसं एकटं एकटं राहिला ना वरती, मला नेगेटिव्ह फोर्स वाटत होतो. सो फायनली आपण आगे अंदर और टेंट में आगे, और एक्चुअली मैं जहाँ सोने वाला था ऊपर में पहाड़ पे, वहाँ पे थोड़ा डर लग गया मुझे, क्योंकि वो आश्रम था और ठीक है, मतलब आश्रम था बट थोड़ा साधु एंड ऑल दैट स्टफ थे, और मैं अकेला था, सुनसान था, और आश्रम सीरीज ये सब चीजें याद आ गई, फिर फट गई मेरी. तो मैंने दीपक भाई को फोन किया, वो आगे ऊपर, और फिर हम आए नीचे, और अभी 2 घंटा हम यहाँ पे टेरिस पे, मतलब जहाँ पे मैं अभी टेंट डाला हूँ, कल दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे बात किया 11:30 बजे. सो अभी तक हमने यहाँ पे बात की है, फिर थोड़ा गाने वाने ऑफकोर्स चलते हैं अपने, नहीं क्या थोड़ा बहुत मजा आती है गाने वाने गाया. तो फिर मुझे अपने जो एक गाँव के भैया है उन्होंने मुझे ये सॉन्ग बुक मुकेश सर की गिफ्ट किया कि आप ये गाना बुक हमारे तरफ से रखिए करके. तो थैंक यू सो मच सर, ऐसा एक गिफ्ट मिला जो बहुत पसंद आया मुझे, मतलब दिल से पसंद आया, बहुत सही लगा. सो अभी क्या सो जाते हैं, और कल दिखाता हूँ मैं आपको ये गांव जहाँ पे अपना आज का डेस्टिनेशन है गाइस. सो वेरी गुड नाइट.